अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। अच्छा जी, तो बीइंग अ लाहौरी आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर लाहौर थ्रू माय ट्रैवल वीडियोस, बट देन आई रियलाइज्ड कि लाहौर में अंदरून लाहौर यानी वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर और वाघा बॉर्डर के अलावा कुछ खास प्लेसेस हैं ही नहीं जिनको ट्रैवल वीडियोस के थ्रू एक्सप्लोर किया जा सके। देन आई थॉट कि क्यों ना यादगार को एक्सप्लोर किया जाए, जिसमें तीन प्लेसेस आ जाती हैं, बादशाही मस्जिद, शाही किला यानी लाहौर फोर्ट और मीनार पाकिस्तान, और साथ ही इनकी हिस्ट्री पे भी एक नज़र डाली जाए। वैसे भी मेजॉरिटी इंक्लूडिंग मी लाहौर में रहते हुए भी इन प्लेसेस के बारे में कुछ खास नहीं जानते हैं। आइए साथ मिलकर कुछ सीखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। सो गाइस, फाइनली वी हैव अराइव्ड यादगार। हम चूँकि बाइक पे आए थे, तो सबसे पहले तो हमने बाइक पार्क की पार्किंग में और फिर लेट इन। जब हम ग्रेटर काल पार्क से होते हुए बादशाही मस्जिद की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टॉल्स होते हैं जिन पे बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत हेरिटेज से रिलेटेड गुड्स होती हैं, लाइक ज्वेलरी और जूतियाँ वगैरह, बच्चों की लाइक डेकोरेशन पीसेस, और इसके अलावा चावल के दाने पे नाम भी लिखवाया जा सकता है अपना और उनका साथ में। अच्छा जी, तो गाइस सबसे पहले हम नंबर वन पे बादशाही मस्जिद को कवर करने की कोशिश करेंगे, देन शाही किले को और देन मीनारे पाकिस्तान। जी, तो बस हम बादशाही मस्जिद आ चुके हैं, असर की अजान हो चुकी थी, तो हमने भी सबसे पहले वजू करके नमाज अदा कर ली है। अब हम बादशाही मस्जिद को एक्सप्लोर करते हैं, देन हम रुक करेंगे शाही किले का, उसे एक्सप्लोर करेंगे। स्टे ट्यून्ड। बिफोर वी लेट इन द साइनमेटिक शोर और बादशाही मस्जिद, पहले इसकी हिस्ट्री पे नज़र डालते हैं। बादशाही मस्जिद वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल एम्पायर औरंगजेब इन द एरा ऑफ 1671 टू 1673। बादशाही मस्जिद इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्ट विद एन एक्सटीरियर ऑफ क्रैप रेडस्टोन इनले विद मार्बल। ये मुगल एरा की सबसे बड़ी मस्जिद और पाकिस्तान की सेकेंड लार्जेस्ट मस्जिद है। आफ्टर द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर इट वॉज यूज एज अ गैरिजन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, and now it is one of the most iconic place of Pakistan. Then in 1799 jab Ranjit Singh ki Sikh army ne Lahore ka control liya, to they used its vast courtyard as the stable for his army horses. Phir 1880 mein Ranjit Singh ne Hazuri Bagh mein ek marble ki building taiyar karwai, jise Hazuri Bagh Baradri ka naam diya gaya, which he used as the royal court for audience.